दी, इसे पुलिस थाने से निकाल के ससम्मान एक ऐसी जगह स्थापित करेंगे कलश के साथ, जहां हम उसे एक टेम्परेरी प्रतीक के रूप में स्थापित कर सकें। अंततः हमें इसे रेस कोर्स लेके जाना है, जैसे हमने तय किया कि प्रधानमंत्री के घर के सामने उनकी नाक के नीचे सरकारी जमीन पे जुए खाने का जो अड्डा चल रहा है, उसकी जगह किसानों की मान मर्यादा का प्रतीक हमें स्थापित करना है। एक ऐसा प्रतीक जिसमें तब हम देश के किसान पूरे 6 लाख गांव से कलश लेके आएंगे, एक बड़ा प्रतीक वहां बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रतीक हमारे पास है और कई हजार गांव से जो कलश हमारे पास आए हुए हैं, उनका उपयोग करते हुए हम उसका उपयोग करते हुए हम एक अस्थाई स्मारक की स्थापना करेंगे। कहां करेंगे इसकी घोषणा हम अगले 3-4 दिन में कर पाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी बातचीत में दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी दी। उसमें से तमाम जानकारियां तो हम यहां नहीं कह सकते, उन्होंने जानकारियां दी, वहां की स्थिति समझाई और हमसे विशेष अनुरोध किया कि 15 तारीख प्राइम मिनिस्टर की स्पीच समाप्त होने तक, दरअसल 15 तारीख शाम तक जब राष्ट्रपति एक विशेष आयोजन करते हैं, तब तक किसी भी सार्वजनिक जगह पे कोई भी प्रदर्शन हम न करें। उन्होंने विशेष तौर पे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर, और उन्होंने कहा कि आप लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मान करते हुए यदि आप ये कर सकें तो इससे आंदोलन की गंभीरता जाहिर होगी। हमने इसके ऊपर चर्चा की है और हमें लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो हमें सूचनाएं दी हैं, जो बातचीत रखी है, जो अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, वो वाजिब है। और एक देशभक्त संगठन के रूप में, वो संगठन जो जय किसान के साथ साथ जय जवान को जोड़ना चाहता है, उस संगठन के रूप में हमें लगता है कि उनकी इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए हमारी ये राय है कि 15 अगस्त दोपहर तक हम कोई भी सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, फास्ट, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक हुड़दंगी संगठन नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि और किसी के लिए, और हम ऐसी कोई स्थिति नहीं बनाना चाहते जिससे 15 अगस्त को इस देश में दिल्ली की राष्ट्रीय सुरक्षा पे रत्ती भर भी आंच आए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सत्याग्रह खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जय किसान आंदोलन यहां पे समाप्त हो गया। हम अपने इस सत्याग्रह का मूल उद्देश्य था इस देश में किसान की जो अवस्था है उस अवस्था पे लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। इसका उद्देश्य था कि हम प्रधानमंत्री को एक संदेश दें कि इस देश में किसान हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण किसानों की दुर्दशा है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन किसानों को के बारे में कोई एक योजना बनाए। ये संदेश और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। इसको हम सड़क पे नहीं करेंगे, इसको करने के हम दो तरीके अपनाएंगे। पहला, अगले 48 घंटे तक हम देश के तमाम नागरिकों से आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से संभव हो, पुरानी चिट्ठी का तो वक्त नहीं रहा है, फोन से, SMS से, ईमेल से, सोशल मीडिया से, जिस तरीके से संभव हो हम प्रधानमंत्री के पास ये अपना अनुरोध पहुंचाएंगे कि वो ये बताएं कि वो अपने राष्ट्र के नाम संदेश में इस सच को स्वीकार करें कि किसान इस देश का आत्महत्या कर रहा है, दुर्दशा की वजह से कर रहा है, और देश के सामने किसानों की आत्महत्या की परिस्थिति को खत्म करने के लिए किसानों की सच्ची आजादी की एक योजना प्रस्तुत करें। और दूसरा,
15 अगस्त को प्रधानमंत्री की स्पीच खत्म होने के तुरंत बाद हम यहां कहीं ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में किसानों के बारे में क्या बात कही, उसके बारे में हमारे क्या विचार हैं, उसके बारे में देश के किसानों के क्या विचार हैं, क्या वो संतुष्ट हैं, वो क्या समझते हैं, उसके बारे में एक संवाद आयोजित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद, उससे पहले नहीं, और वो भी किसी ग्रामीण इलाके में, किसी सार्वजनिक दिल्ली के ऐसे क्षेत्र में नहीं जहां पे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सके। जय किसान आंदोलन के लिए ये पहला छोटा पड़ाव है। हमें कहते हुए बहुत संतोष है, गर्व है कि इस आंदोलन को देश के 40 बड़े संगठनों की तरफ से समर्थन मिला है। आज जय किसान आंदोलन जहां भी पहुंच पाया है वो इन तमाम 40 सहमत संगठनों की वजह से है। और इन संगठनों के साथ मिलकर हमने तय किया था कि अगले छह महीने में पूरे देश में एक व्यापक संगठन खड़ा करके कम से कम 1,00,000 गांव में जय किसान आंदोलन का संगठन खड़ा करके एक दूसरे बड़े कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जैसे रैली हुई थी, 6 महीने के अंदर हम शायद दिल्ली वापस आएंगे, कम से कम 1,00,000 गांव का संदेश लेके आएंगे और किसान की राजनीति, किसान आंदोलन को प्रमुखता मिले और इस देश में आजादी का पर्व, किसानों के लिए सच्ची आजादी का पर्व बन सके। उनके लिए भूख से आजादी, आत्महत्या की मजबूरी से आजादी, कर्ज से आजादी का पर्व बन सके, इसके लिए हम 6 महीने के अंदर बहुत बड़े कदम उठाएंगे। जय किसान आंदोलन और ये सत्याग्रह की भावना जारी रहेगी। धन्यवाद। जय